हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड बास्केट विद फरहत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी लिया है, इसे पैन में हम डालेंगे और 100 ग्राम के करीब मैंने गोंद लिया है। इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोंद जो है वो लावे के रूप में ना हो जाए। ये देखें, गोंद फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने कटे हुए नारियल लिया है 100 ग्राम के करीब, इसे भी हम धीमी आंच पे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने पसंद के। यहाँ पे मैंने छुआरा लिया हुआ है 100 ग्राम। और 100 ग्राम खजूर, इसे भी हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। थोड़े से घी और ऐड करेंगे, इसमें मैंने 100 ग्राम बादाम ऐड किया है और 100 ग्राम अखरोट। सभी को हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने 1/2 kg घी यूज किया है और जो घी हमारा बच जाएगा उसे हम बाद में ऐड करेंगे लड्डू में। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मखाना लिया है, इसे भी ऐड करेंगे। तो 1/2 kg जो मैंने घी लिया है उसी घी में मैं इन सारी चीजों को फ्राई कर रही हूँ और जो घी हमारा बच जाएगा उसे मैं लास्ट में लड्डू में यूज करूंगी। तो ये देखें, 6-7 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो ये देखें, ये भी रेडी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और अब मैंने एक पैन में 1/2 kg गेहूं का आटा लिया है, इसे हम लो फ्लेम पे 10-12 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से सूंधी खुशबू ना आने लगे। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये जो हमारा आटा है ये जल जाएगा और लड्डू बहुत टेस्टी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1/2 kg गेहूं का आटा लिया है, तो 1/2 kg हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, पिसी हुई चीनी, और 1/2 kg ही हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास अब घी बच गया है 1/2 kg में से, उसे हम बाद में लड्डू बांधने में यूज करेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हम धीरे धीरे ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और अब मखाना डालकर इसे भी पीस लेंगे। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है और अब हम भुने हुए आटे में जो हमारे पास घी बच गया है उसे हम ऐड कर लेंगे। घी
घी हमेशा हम मेल्टेड यूज करेंगे ताकि लड्डू जो है वो अच्छे से बंध जाए। और अब सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लेंगे। और हाफ केजी चीनी को मैंने पहले से ही पीस कर रखा हुआ है, उसे हम ऐड करेंगे। और अब इन सारी चीजों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें मिक्स हो चुका, अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। लड्डू बांधने में हम देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बन पाएगा। तो हम इसे इस तरह से गोल गोल लड्डू बांधेंगे। तो ये देखिए हमारे गोंद के लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। आप इस विंटर में इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।